यहां तक मैंने वो किया जो तुमने कहा, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। गाड़ी रोको, रोको। आउट, कम ऑन। हाथ ऊपर, अप, मूव। गुड, तुम आदमी काम के हो, लेकिन मेरा उसूल है काम खत्म आदमी खत्म। मेरा उसूल है आदमी खत्म काम खत्म। सॉरी, नहीं, वो पिलर चाहिए। एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बाहर जाने के सारे रास्ते सील कर दीजिए, और याद रहे वो इस शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझे? हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। एक मिनट का रोड प्लीज। यस। आप हिंदुस्तानी हैं? आपने मुझे पहचाना? नहीं नहीं अभी नहीं 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 पहचाना। आप रोने क्यों लगे? ये बहुत दुख भरी कहानी है भैया। एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, इंडिया में। मैं और मेरा जुड़वा भाई सोहन, मैं मोहन, वो बाएं था मैं दाएं था, और बीच में तुम्हारी माँ थी? नहीं, बाप था। हम तीनों खुशी खुशी जा रहे थे, तो अचानक वो मेरी बैग लेके भागा। कौन, बाप? नहीं, चोर। ओ। मैं कुछ नहीं कर सका, मैं चिल्लाया, बापू, वो बैग लेके भाग रहा है। वो भी उसके पीछे भागा। कौन, बाप? मेरा भाई। चोर आगे था, मेरा भाई पीछे था। चोर आगे, मेरे भाई पीछे, दोनों भाग रहे थे, मैं चिल्ला रहा था, और वो धड़ाम से गिर गया। तुम्हारा भाई? मेरा बाप। वो पिया हुआ था, पुलिस आकर उसको पकड़ लिया। चोर को? मेरे बाप को, और उसे मारने लगे। पर तुम्हारे बाप को क्यों मारने लगे? वो उन्हें चोर समझ रहे थे, इतने में वो भाग गया। चोर? मेरा भाई। तब से उसको आज तक ढूंढ रहा हूँ। चोर को? नहीं, मेरे भाई को। कमाल है, लेकिन आपका भाई इंडिया में खोया, आप उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? अरे भाई, खोया होता तो बात अलग थी ना, वो तो मौका देख के भाग गया है। और उसे कोई ज्यादा शौक नहीं था, सिर्फ दो ही शौक थे, एक तो कंगारू देखने का और एक पॉकेट मारने का। अब आप ही बताइए, पॉकेट मारने के लिए ट्रैम से कोई अच्छी जगह है? इसलिए मैंने ये ट्रैम कंडक्टर की नौकरी कर ली। सोचा कभी न कभी यहाँ पॉकेट मारने आएगा और उसे देख लूंगा और उसे मिल लूंगा। आ गया। तुम्हारा भाई? तुम्हारा स्टेशन। सुनिए 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 सुनिए, अगर वो नालायक जिसकी वजह से मैं दर दर की ठोकरे खा रहा हूँ, अगर वो मिल जाए ना, तो ये दे देना मेरा कार्ड। कौन, चोर को? मेरे भाई को, सोहन को। भेजा घुमा दिया मेरा यारी साधवी ने। He's turning my head. What, me? No, मेरे बाप। ही
आज के वैलेंटाइन डे के फंक्शन में मिस वैलेंटाइन कौन बनेगी? मैं ही बनूंगी। हंसती क्या है? ओह माय गॉड, एक्सीडेंट। ओह शिट, माय टेल लाइट, माय टेल लाइट। हां ये मेरी नई गाड़ी थी। कूल डाउन, कूल डाउन। ओह गॉड, यू, तुमने मेरी गाड़ी डैमेज कर दी। तुम इंडियंस को जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो दूसरे देश में आकर गाड़ी क्यों चलाते हो? अपने देश में जाकर बैलगाड़ी क्यों नहीं चलाते? ओए मैडम, आजकल इंडियंस जेट, हवाई जहाज और स्पेस में रॉकेट चला रहे हैं, और रही बात डैमेज की, तो आपने ब्रेक मारा, आपका ब्रेक लग गया, मैंने मारा नहीं लगा, जरा सी बात है। ये जरा सी बात है? चलो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि विक्की उसका नुकसान नहीं दे सकता। बोलो कितना हुआ? हाँ 50, 100, 200, 300, 400, 500। तुम भी क्या याद रखोगी, किसी रईस हिंदुस्तानी से तुम्हारा पाला पड़ा था। ये लो। थैंक यू। यू लोफा, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? कपड़े रीटा के और बातें सीता की। पुलिस 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 पुलिस। एक्सक्यूज मी मैडम, ये इंडिया नहीं ऑस्ट्रेलिया है, क्या पंगा ले लिया आपने? बीच सड़क पर गाड़ी रोककर बातें कर रहे हैं? अगर बातें कर रहे हैं तो गार्डन में जाइए, प्यार मोहब्बत की बातें कीजिए, नाचिए गाइए कूदिए, मेरे पापा कुछ नहीं जाता, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम। ऑफिसर, हम लोग प्यार मोहब्बत की बातें नहीं कर रहे हैं, इन्होंने मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करके डैमेज किया है, देखिए प्लीज अरेस्ट हिम। तो आप दोनों को मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। प्रीति, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रही है? ऑफिसर, हम अपनी कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ये इससे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम, ओके? आई विल सी यू। कब और कहां? शट अप। ये तुम? हाँ मैं। तुम्हारा कोई भाई है? है? जुड़वा? हाँ। बचपन में कुंभ के मेले में खो गया था? हाँ। अरे मैं उसे मिल चुका हूँ। कहाँ? जानते हैं, वो ट्राम कंडक्टर बन गया और तुम्हें ढूंढ रहा है। अरे वो ट्राम कंडक्टर मैं ही हूँ, मोहन। आप सोहन की बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि वो पॉकेट मार से तरक्की करके कार चोर बन गया होगा, और किसी की कार चोरी करके सिग्नल तोड़ के भागेगा, और मैं उसे पकड़ लूंगा, यही सोच के मैं ट्रैफिक पुलिस बन गया। हे भगवान, ये कुंभ मेला तूने क्यों बनाया? टुडे इज वैलेंटाइंस डे, यानी के प्रेमियों का दिन। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर साल हम इंडिया क्लब में मिस्टर वैलेंटाइन और मिस वैलेंटाइन चुनते हैं, और इस साल की मिस वैलेंटाइन है मिस प्रीति। कांग्रेट्स, थैंक्स। प्रीति प्लीज कम अप, वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और अब फ्रेंड्स, आप में से जो प्रीति के 3 सवालों का जवाब देगा उसे मिस्टर वैलेंटाइन चुना जाएगा, और उसे मिस वैलेंटाइन के साथ डांस करने का और इनके खूबसूरत हाथ को चूमने का मौका दिया जाएगा। क्वाइट 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 प्लीज। प्रीति की एक छोटी सी शर्त और है, अगर आप इनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो चूमने के लिए इनके हाथ नहीं, इनकी खूबसूरत सैंडल होगी। क्या हुआ? क्या आप में से कोई भी इनके सवालों का जवाब नहीं दे सकता? मैं जवाब दूंगा। विकी, गिव हिम अ बिग हैंड। ओए पंगा बातले पापे, कहीं हार गया तो सैंडल चुमनी पड़ेगी। ओ फिकर ना कर पापे, जो ऊपर से नीचे तक चुमने के लिए हो, उनका सर क्या और पांव क्या। सवाल पूछिए। हाँ तो पहला सवाल, प्रीति का मनपसंद फल यानी कि फ्रूट कौन सा है? वैसे तो दुनिया का सबसे मीठा फल मेहनत का होता है, लेकिन अपनी ये मिस वैलेंटाइन तो मेहनत से मीलों दूर है, इसलिए इनकी पसंद का फल आम, संतरा या मौसम्बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें खाने के लिए छीलने की मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए इनकी पसंद का फल वो है जो सीधा मुंह में डाला और कप, यानी कि अंगूर। राइट, एब्सोल्यूटली राइट। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। और अब दूसरा सवाल, प्रीति का फेवरेट स्पोर्ट यानी कि खेल कौन सा है? अब जैसा आदमी का नेचर होता है उसे वैसे खेल पसंद आते हैं,
और इनका नेचर तो लड़ाई झगड़ा और मारपीट का है, इसलिए इन्हें WWF की कुश्ती पसंद है। खूब, बहुत खूब। This is the right answer. Thank you, thank you. इनसे कहो सीधा सीधा जवाब दे, घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? ओए घुमा फिरा के देता है तो क्या हुआ, देता तो सही है ना? Next, please. और अब आखिरी सवाल, प्रीति को दुनिया के सात अजूबों में से कौन सा अजूबा सबसे ज्यादा पसंद है? माफी चाहता हूँ लेकिन ये जवाब भी मुझे कुछ घुमा फिरा कर ही देना पड़ेगा। हाँ हाँ चलेगा। इन्हें जो अजूबा पसंद है वो इनकी समझ से बिल्कुल अलग है। ये खुद तो प्यार के नाम से भी नफरत करती हैं और पसंद उस अजूबे को करती हैं जो प्यार की निशानी है, यानी सिंबल ऑफ लव, ताजमहल। एंड ही इज राइट। इस साल के मिस्टर वैलेंटाइन है मिस्टर विकी। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मिस वैलेंटाइन ने तो तीन मामूली से सवाल पूछे, वैसे आज वैलेंटाइन के दिन सवाल ही पूछने थे तो दिल जिगर जान के पूछती तो मैं वो भी बता देता कि इनके दिल में क्या है। माय फुट। देखो तुम्हारे सीने में जो दिल है वो हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी दिल आवारा नहीं होता। ये चाहता तो सारी दुनिया को है लेकिन मिटता किसी हिंदुस्तानी पर है। आज के वैलेंटाइन डे में आप सब शामिल हो सकते हैं। कम ऑन प्रीति, कम ऑन विकी। तू देख रहा शीतल, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना। इतना हैंडसम, इतना इंटेलिजेंट लड़का दोबारा नहीं मिलेगा। बकवास मत कर शीतल, उसने मेरे तीन सवाल का जवाब कर दे दिया, तू उस गवार को इंटेलिजेंट समझने लगी? कमाल कर दिया उसने, उसने तो वो बातें भी बता दी जो मैंने नहीं बताई थी। क्या ये सारी बातें तूने उसे बताई थी? शीतल जी बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, रुक जा, रुक जा। Good luck. सर, टेबल नंबर 7 कौन सा है? टेबल नंबर 7 वो है, लेकिन साहब उस पर बैठना मत। ये ले तेरी पेप्सी। थैंक्स। आई एम सॉरी सर। तुम? हाँ मैं। तुम्हारा कोई भाई है? हाँ। जुड़वा? हाँ। बेचारा न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है तुम्हारे लिए। कहाँ है वो? ट्रैफिक हवलदार बन गया वो। अरे वो मैं ही था। पर तुम तो पुलिस में थे। पुलिस में था, वो नौकरी करके भी देख लिया, मगर मोहन का सोहन से कोई मिलन नहीं हुआ। फिर ये वेटर बन गया मैं। उसे एक चीज का बहुत शौक था, मुद्रा सुनने का, और यहाँ तो अंग्रेजी मुद्रा चलता है, इसलिए मैं नौकरी कर ली। मैं ये सोच रहा हूँ कभी ना कभी वो यहाँ आएगा और मेरी मुलाकात। नहीं, नहीं, नहीं। आप प्लीज इस टेबल पर बैठिए, प्लीज। आप किसी और टेबल पर बैठ जाइए। गॉड, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। पागल यहाँ पे आ गया? कहीं तूने तो इसे नहीं बताया था कि हम यहाँ आने वाले? तेरी कसम मैंने इस बार कुछ नहीं बताया। आप इस टेबल पर इसलिए नहीं बैठ सकते हो क्योंकि ये जोजो की टेबल है। कौन जोजो? अरे शहर के सबसे खतरनाक आदमी का बेटा।
वो हमेशा हंसता रहता है। ऐसा कुछ हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब उसकी हंसी रुक जाती है ना तो लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जब उसकी टेबल पे कोई और बैठ जाता है ना तो उसकी हंसी एकदम से रुक जाती है। फिर जानते हो क्या होता है? क्या होता है? ये होता है ये। और इनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि ये लोग इस टेबल पर बैठ गए थे, बस जो जो ने देखा और इनको मार फाड़ कर कटपीस बना दिया। आइडिया शीतल। हाँ? इसको पिटवाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरे रहने दे, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ उल्टा हो जाए। और अगर मैंने उसे पिटवा दिया तो? लगी 100-100 की शर्त? लगी। यस। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जैसे अच्छे आदमी का फोटो इसमें लगे। मेहरबानी करके यहाँ से उठ जाओ, मेरे बाप वो आगे दौड़ पड़ करेगा। हाय विकी। मेरी बात सुनो। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? मैं जॉइन यू प्लीज। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। आप यहाँ कहाँ ज्वाइन हो रही है मैम साहब? अरे इस टेबल पर जो ज्वाइन होता है उसके सारे जॉइंट्स निकल जाते हैं। आप किसी और टेबल पर ज्वाइन हो जाइए प्लीज। एक, एक। ये क्या हो रहा है? जानते नहीं कस्टमर्स के साथ कैसे बात की जाती है? ये 7 नंबर टेबल है सर। तो क्या हुआ? ये जोजो की टेबल है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जोजो के आने का टाइम हो गया है, उसका ऑर्डर लेकर आओ। कौन जोजो? जोजो देखिए मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, आप यहाँ से प्लीज उठ जाइए, ये टेबल रिजर्व्ड है। अगर ये टेबल रिजर्व थी तो आपको इस टेबल पे रिजर्व की प्लेट लगानी चाहिए थी। आप लोग नहीं जानते जोजो बहुत डेंजरस आदमी है। आप क्या समझते हैं? अगर वो डेंजरस है तो मिस्टर विकी भी डबल डेंजरस है। क्यों विकी? हाँ हाँ डबल क्या, ट्रिपल डेंजरस हूँ। अब तो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे जोजो आए या भोभो। Come on, baby, dance, dance, baby. Please leave me. आइए आइए बैठिए। अरे बैठिए बैठिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। लगता है ना आपकी शक्ल पसंद नहीं आई। ऐसा फंसाया है कि यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएगा। अरे चल चल। ढक्कन निकल गए, बहुत भूख लगी है। Huh?
मर गई शीतल। हम जरा ये क्या गए, तुम अपनी औकात पे आ गए। माना कि ये हमें फंसाना चाहती थी, इसका ये मतलब नहीं कि इसे अपने बाप का माल समझकर ले जाओ। Yeah!